नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन ने अचानक LAC पर अपने 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही भारी भरकम हथियार भी तैनात किए हैं। और भारत ने क्यों इमरजेंसी बेसिस पर इसराइल से मंगाए हथियार, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चीन लगातार LAC पर अपनी चालें पर चालें चलता जा रहा है। और इस बार चीन की तरफ से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। और चीन ने लद्दाख के पास अपने 60,000 जवानों को तैनात करके रखा हुआ है। इसके साथ ही भारी भरकम हथियार भी चीन के द्वारा LAC पर डिप्लॉय करके रख दिए गए हैं। और दोस्तों, भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरीका से LAC पर मुस्तैद है। और भारतीय सेना को इस समय इमरजेंसी बेसिस पर चाहिए हथियार, और इसीलिए भारत ने अपने मित्र इसराइल को याद किया है। और इसराइल से भारत इमरजेंसी बेसिस पर हथियार लेने वाला है। और दोस्तों, इसमें भारत इसराइल से कई सारी मिसाइलें खरीदने वाला है, जो कि भारत के द्वारा यूज किए जाने वाले हेरॉन ड्रोन में लगने वाली हैं। जी हां दोस्तों, भारत के पास इसराइल से खरीदे गए हेरॉन ड्रोन तो हैं, जो कि 48 की संख्या में, परंतु दोस्तों अभी इनका यूज भारतीय सेना के द्वारा केवल निगरानी और जासूसी करने के लिए किया जाता है। परंतु अब भारत सरकार ऐसा प्लान बना चुकी है कि इन हेरॉन ड्रोनों को अपग्रेड करके इनमें घातक एयर-टू-एयर, इसके साथ ही एयर-टू-सरफेस वार करने वाली मिसाइलों को लगाया जाए, जिससे इन हेरॉन ड्रोन के माध्यम से दुश्मन के अंदर घुसकर दुश्मन के क्षेत्र पर धावा बोला जा सके। और यदि इन ड्रोनों की खासियत की बात करते हैं, तो ये बिना किसी रुकावट के 500 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ सकते हैं और निरंतर 50 घंटे तक की उड़ान यह हेरॉन ड्रोन भर सकता है। इसके साथ ही यदि इसमें मिसाइलें कंडक्ट करा दी जाएं, तो यह आसानी से किसी भी दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकता है। बाकी जल्द से जल्द इसराइल से इंजीनियर आकर इन ड्रोनों को अपग्रेड करेंगे और इनमें से प्रत्येक ड्रोन में 4 से 5 की संख्या में मिसाइल लगाई जाएंगी। इसके साथ ही इन ड्रोनों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिससे भारतीय सेना आसानी से चीन की हर चाल पर नजर रख सके। बाकी आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है, क्या भारत को ये पुराने ड्रोन ही अपग्रेड कराने चाहिए या फिर नए ड्रोन खरीदने चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।